हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम 10th क्लास के जो लाइट चैप्टर है साइंस का, उसको कवर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल और मैसेज आए कि सर साइंस भी स्टार्ट करा दीजिए, तो आज से हम साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 10th, 11th, 12th पूरा मैथ्स कवर कर रखा है, तो आप चैनल पर जाएंगे जैसे ही तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, आपको आपके क्लास के अकॉर्डिंग जो है मैथ वहां पर मिलेगा। तो साइंस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले साइंस एक बिल्कुल आसान टॉपिक, मतलब आसान सब्जेक्ट हम इसको कह सकते हैं, और आप सभी के लिए समझना भी आसान होगा क्योंकि इसमें हम चीजें रिलेट कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, चीजों को रिलेट। साइंस का मतलब होता है, सबसे पहले तो साइंस का मतलब होता है जो हमें किसका आंसर दे, हाउ का, जो हमें किसका आंसर दे, हाउ का, यानी कि कोई भी चीज कैसे हुई, कोई भी चीज हुई उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को ही क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। हम देख पा रहे हैं किसकी वजह से, साइंस की वजह से, यानी कि जो उसके पीछे लॉजिक है, जो कारण है, हम चल पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, हम घर बैठे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, किसकी देन है, साइंस की ही देन है। तो साइंस यहाँ पर क्या होता है, किसी भी चीज के पीछे का लॉजिक या फिर रीजन को हम साइंस कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लाइट। तो लाइट चैप्टर का नाम है, जिसमें आप दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा रिफ्लेक्शन और एक आपका क्या आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो बाद की बात है, सबसे पहले लाइट। कि सर ये लाइट क्या होता है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, यानी कि ये एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम कोई चीज देख पाते हैं, कोई भी चीज हम देख पाते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मार्कर है, तो लाइट रे आई मार्कर से स्ट्राइक की और हमारी आंखों के अंदर एंटर की, तो हमें वो ऑब्जेक्ट देखेगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे माइंड में बनेगी। अब मान लो अगर आप आंखें बंद कर लेते हैं, क्या आपको कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि लाइट रेज एंटर नहीं कर रही। जब आप आंखों बंद करोगे तो उस टाइम पर लाइट रे एंटर नहीं करेगी, जब तक लाइट रेज एंटर नहीं करेगी इमेज फॉर्म नहीं होगी, और जब तक इमेज फॉर्म नहीं होगी हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। तो लाइट का पता लगा आपको क्या भाई, आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर होगा और विजिबल भी होगा। क्या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही बताया था कि लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये पीडीएफ क्या हमें मिलेगी, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब उसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टी को यूज करके। अब लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, देखो लाइट का जो नेचर है वो कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर। लाइट का कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर। अब आप कहोगे सर ये ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है यहां पर, कि दो नेचर है, एक तो क्या पार्टिकल नेचर, एक तो क्या भाई पार्टिकल नेचर, और दूसरा आपका क्या होता है वेव नेचर। एक आपका पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा आपका क्या होता है सर, वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर की बात करें तो सर ये क्या पार्टिकल, भाई स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ थी सॉरी, हाँ जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर में क्या रहेगा, लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है। लाइट रे कैसे जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, अगर बीच में कोई चीज आ गई तो उसकी क्या शेडो बनती है, यानी कि परछाई बनती है, ये चीज आपको पता है ठीक है। तो लाइट रे बिल्कुल कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लाइव एक जो लाइट है वो वेव की तरह भी ट्रेवल करती है। वेव कैसे होती है, जैसे आप मान लो कोई पॉन्ड है, उसमें आप कोई पत्थर डालते हैं, तो जहां पर पत्थर डाला वहां पर वेव ज्यादा है, फिर कम 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 यूं होती रहती है, इतना आपको क्लियर। तो ये वेव की तरह भी बिहेव करती है। अब आप कहोगे सर इसकी एग्जांपल क्या है, तो जो भी डिफ्रेक्शन वगैरह हो इसके एग्जांपल होते हैं, वो क्या होता है सर, मान लीजिए
आपके पास एक टॉर्च है, तो टॉर्च को जब आप किसी दीवार पर हिट करोगे, टॉर्च को जब किसी दीवार पर हिट करोगे तो मान लो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी क्या है भाई, ज्यादा, और बाकी का जो एरिया है वहां पर इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। साइड में इंटेंसिटी क्या होती जाएगी आपकी, कम होती जाएगी। तो ये आपका वेव नेचर डिफाइन करता है, कौन सा नेचर, वेव नेचर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइट का नेचर कैसा होता है, तो लाइट का नेचर ड्वेल नेचर होता है। ड्वेल नेचर यानी कि पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, क्या, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ये चीज आपको समझ में आई। अब उसके बाद भाई भाई जो आपका रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है वो किस प्रॉपर्टी को यूज करता है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को, स्ट्रेट लाइन वाला। स्ट्रेट लाइन यानी कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काफी ज्यादा आसान है, क्या, रिफ्लेक्ट होना, नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन, चीज का क्या होना, रिफ्लेक्ट होना। अब रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, टकराकर वापस आ जाना, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आ जाना, इसी चीज को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, रिफ्लेक्शन। तो व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर, जब कोई ऑब्जेक्ट मिरर पर फॉल, मतलब जब कोई लाइट रे मिरर पर फॉल होती है तो वो टकराकर वापस चली जाती है। यहां से इंसिडेंट रे आई, टकराकर वापस चली गई, तो जो लाइट रे आती है उस लाइट रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है, जो लाइट मिरर की तरफ आती है उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, और जो टकराकर वापस चली गई कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये रे क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। पहली बात, जो मिरर है मिरर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, मिरर के एक साइड क्या पॉलिश किया जाता है, क्या किया जाता है, पॉलिश। तो जहां भी ये हो अगर आपने पॉलिश नहीं किया तो वो मिरर नहीं कहलाएगा। तो मिरर, तो ये आपका मिरर है, यहां पर ये यहां पर आपका क्या है, मिरर। तो लाइट रे आई, स्ट्राइक हुई और वापिस चली गई, तो ये इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब सरफेस से जो परपेंडिकुलर होता है, सरफेस जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर को हम कभी कभी नॉर्मल भी कह देते हैं, परपेंडिकुलर को हम कभी कभी नॉर्मल भी कह देते हैं। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉर्मल। क्या इतनी चीजें क्लियर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस, क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस, कि कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है या मिरर है, लाइट रे गई उससे टकरा के वापस आ गई, उसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना समझ में आया आप सभी को, हाँ जी सर बिल्कुल आया। जो लाइट रे मिरर की तरफ आती है उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, जो टकरा कर वापिस चली गई उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ये चीज भी आपको क्लियर। जो मिरर है उसको कैसे बनाया जाता है, एक साइड से पॉलिश करके, और जो सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल सर, क्या कहा जाता है, नॉर्मल। तो ये चीज भी आपको क्लियर हुई। अब यहां पर एक तो एंगल आई है और एक एंगल आर, तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल आई, और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है, क्या, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको क्या कहा जाता है, आर। आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई उम्मीद है, ठीक है भाई। अब बात आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, दो लॉ, क्या, पहला लॉ कहता है कि
जिस एंगल से लाइट रे आई है उसी एंगल से जाएगी, यानी कि आपका जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल रहेगा। जो एंगल आई है वो किसके इक्वल रहेगा? एंगल आर के इक्वल। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई। अब उसके बाद द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। कि ये जो तीनों चीज है ना ये सेम प्लेन में होती है। सेम प्लेन यानी कि एक ही साइड होती है भाई। इधर ही मिरर है, इससे इधर ही इंसिडेंट रे है, इधर ही नॉर्मल है, इधर ही रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये आपका सेम प्लेन में होता है। तो याद रखना जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कभी भी रे वर्ड का यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल के साथ कभी भी रे वर्ड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक रे नहीं होती। ये क्या नहीं होती? रे। इसको हम जस्ट अपेरेंट लाइन मान सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपका सेकेंड लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये आपके दो लॉज हो गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आपको अच्छे से समझ में आए। क्या पहला लॉ कि एंगल आई और एंगल आर आपका इक्वल होता है। क्या एंगल आई और एंगल आर आपका इक्वल होता है। एंड सेकेंड लॉ क्या होता है? वही द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। भाई तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक है सर। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस। अगर आपके पास कोई प्लेन सरफेस है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? तो भाई यहां पर ये मैंने एक प्लेन मिरर बना दिया, ठीक है सर। अब मिरर है, आप भी डेली नहा धोकर आराम से मिरर के सामने खड़े होते हैं और फिर अपने बाल वगैरह सेट करते हैं, ठीक भाई। तो मिरर है, मिरर के सामने आप खड़े हैं, तो यही मिरर है आपका। मिरर के सामने मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो लाइट रे गई सीधी जाएगी तो बाउंस बैक होकर आ जाती है, और एंगल आई से गई, किससे गई? एंगल आई से अगर गई, एंगल आई से गई तो रिफ्लेक्ट होकर एंगल आर से वापस आ गई। लेकिन ये तो यहां आगे कहीं मीट नहीं होगी, तो इसको अगर पीछे एक्सटेंड किया जाए और इस लाइट रे को भी एक्सटेंड किया जाए तो ये आपकी क्या बन गई? इमेज बन गई। ये आपकी इमेज बन गई, इतना समझ में। तो ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश आपकी क्या हो गई? इमेज हो गई। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लीजिए आप मिरर के 10 सेंटीमीटर आगे हैं तो इमेज मिरर के कितने पीछे बनेगी? तो आपका आंसर रहेगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल। इज क्लियर? ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इफ यू आर स्टैंडिंग 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर देन हाउ फार इज योर इमेज फ्रॉम यू, कि आपकी इमेज आपसे कितना दूर होगी? जल्दबाजी में इसका आंसर क्या कर देंगे? 50 सेंटीमीटर। नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी। क्यों? क्योंकि 50 सेंटीमीटर आप हैं, मान लो ये मिरर है, ये आप हैं, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितना है? 50 सेंटीमीटर। इसने पूछा है कि आपके और आपके इमेज के बीच में कितनी दूरी होगी? आपके और आपके इमेज के बीच में कितनी दूरी होगी? अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। तो दूरी आपसे और आपकी इमेज की कितनी हो गई? 50 + 50 कितना? 100। ये भी 50 होगी भाई, तो टोटल कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो आपसे अगर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे मिरर से पूछा गया है या कि ऑब्जेक्ट से पूछा गया है। अगर मिरर से पूछा गया है तो उतना ही रहेगा, ऑब्जेक्ट से पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? डबल। क्या इतना क्लियर? ठीक है भाई, आगे। भाई जो टाइप ऑफ इमेज है
इमेज आपकी कितने प्रकार की बनती है? दो प्रकार की बनती है। इमेज कितने प्रकार की बनती है? दो, एक तो होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। तो रियल और वर्चुअल क्या होती है? रियल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन पर ऑप्टेन की जा सकती हो, जो क्या की जा सकती हो, एक किसी स्क्रीन पर ऑप्टेन की जा सकती हो, उस इमेज को क्या कहा जाता है? रियल इमेज कहा जाता है। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इमेज को किसी स्क्रीन पर ऑप्टेन ना किया जा सकता हो, उसको आपका क्या कहा जाता है? वर्चुअल इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ये चीज भी आपको क्लियर? ठीक है सर। अब ये होती क्या है सर, हमें तो समझ नहीं आया कि स्क्रीन पर क्या होती है या ऑप्टेन, पता नहीं। देखिए, आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको उस टाइम वो इमेज दिखेगी। अब आप मान लो यहां पर मिरर है, यहां पर आप हैं, आपको आपकी इमेज दिखेगी। आप यहां पीछे चले गए तो क्या अब आपको आपकी इमेज दिखेगी? नहीं दिखेगी। यानी कि जिस टाइम आप वहां पर प्रेजेंट है उसी टाइम आपको आपकी इमेज दिखी, तो ये आपका वर्चुअल इमेज है। और अगर आप यहां नहीं भी हैं तो भी आपकी इमेज दिखे, जैसे आप सिनेमा स्क्रीन जो होती है, या आप मूवी देखते हैं, या अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, तो जो ये इमेज बनी है ये कैसे बनी? रियल इन द सेंस जिनको एक स्क्रीन पर ऑप्टेन किया जा सके। अब मैं आपको स्क्रीन पर, क्या मैं एक्चुअल में यहां पर खड़ा हूं अभी? नहीं, ये क्लास पहले रिकॉर्ड हो चुकी है, अब आपके फोन में दिखाई दे रही है। तो यहां पर मैं एक्चुअल में नहीं हूं लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा हूं, दैट इज रियल इमेज। ये क्या होगी? रियल इमेज होगी। तो अभी आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। हाँ, वर्चुअल इमेजनरी। वर्चुअल कैसे होती है? इमेजनरी जिसको इमेजिन किया जा सकता है, एक्चुअल में नहीं होती लेकिन हमें दिखाई देती है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हम अपने आप को देख पाते हैं, वो हमारी इमेज कैसे होती है? वर्चुअल इमेज होती है। तो वर्चुअल कैसे होती है? इरेक्ट। इरेक्ट बोले तो सीधी। वर्चुअल भाई, आप मिरर के सामने खड़े हैं, क्या आप अपने आप को उल्टा देखेंगे? नहीं, आप अपने आप को सीधा देख पाएंगे। कैसी इमेज है? इरेक्ट है, इसलिए। ठीक। लेटरली इन्वर्टेड, तो भाई ये आपके पॉइंट्स हैं कि जो आपका प्लेन मिरर है उस पर क्या क्या मतलब इमेज बनती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी कि जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। नेक्स्ट, जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? कि जो लेफ्ट चीजें हैं वो आपको राइट में दिखेंगी। अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करें तो मिरर में राइट हैंड ऊपर होगा, है ना? सर, बिल्कुल सही कहा। तो चीजें जो लेफ्ट की चीजें हैं वो राइट में दिखती हैं। लाइक एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस है वो उसमें एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? ताकि आप मिरर में देखें तो वो आपको उल्टा दिखे। यानी कि लेफ्ट की चीजें राइट में दिखें, तो जब आप मिरर में देखें तो आपको पढ़ने में सीधा एम्बुलेंस आए, आप पजल ना हो, इसलिए एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा होता है आगे की तरफ। क्या भाई, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना इमेज का साइज उतना ही ऑब्जेक्ट का साइज। यानी कि इमेज का साइज किसके इक्वल होता है? ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल। इमेज का साइज किसके इक्वल होता है? ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे रखेंगे उतनी ही इमेज मिरर के पीछे बनेगी। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। यहां पर आपके चार पॉइंट हो जाते हैं। तो चार पॉइंट में वही कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट की चीजें राइट में दिखती हैं, साइज सेम रहता है, और आपका क्या, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा है इमेज उतनी ही पीछे बनती है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। भाई, प्लेन मिरर के जितने भी पॉइंट थे हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर को हम नेक्स्ट क्लास में जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।